हेलो एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक व्रत की रेसिपी, गाजर की खीर। एक बाउल खा लीजिए, बस पेट आपका भरा रहेगा। बहुत ही आसान और मजेदार सी ये रेसिपी है। व्रत की रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पे जाके, व्रत की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके जरूर देखेगा। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं। ये लिए मैंने एक बड़ी साइज की गाजर, इसको छील के वॉश कर लिया है। ये काफी बड़ी है तो इसको कद्दूकस करना है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी और इसको हम पहले घियाकस करेंगे। इस तरह से सारी गाजर को हम कस लेंगे। ये देखिए हमारी गाजर कद्दूकस होके तैयार हो चुकी है। अब आइए आगे की प्रोसेस करते हैं। ये लिए मैंने चार पांच पीस काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता। तो इन सभी चीजों को इस तरह से देखिए, चक्कू की मदद से आपको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। ड्राई फ्रूट्स आप और भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लूंगी। ये देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स कट के तैयार है, काजू बादाम और पिस्ता। अगर आपके पास कटे हुए रखे हुए हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। मैंने रखी है गैस पे कढ़ाई, इसमें डाला है एक चम्मच देसी घी। मीठी चीज है तो घी का ही यूज करना है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हल्का भूनना है। कलर इसका नहीं चेंज करना, बस इस चीज का आप ध्यान रखें। तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए भून लीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो गया है। इसी वक्त हमने जो गाजर कद्दूकस करके रखी थी ना वो इसमें डाल देंगे और लगातार चलाते हुए 2 से 5 मिनट हम इसको भूनेंगे। ये देखिए लगातार चलाते हुए मैंने इसको भूना है हाई फ्लेम पे। अब इसमें अंदर हम डाल देंगे दूध। तो मेरे पास दूध ऑलरेडी गर्म किया हुआ था तो मैं इसमें मिला रही हूँ करीबन 1/2 kg दूध। ये देखिए और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपका दूध कच्चा है तो आप अलग से इसको गर्म करके साइड में रख लीजिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा काफी देर से ये पक रही है खीर, तो काफी कम भी हो गई और गाढ़ी भी हो गई है। इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी 2 इलायची कूटी हुई। इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट 1 चम्मच, ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा। इससे इसमें ना बड़ा ही गाढ़ापन आता है और एक अच्छा सा टेस्ट देता है ये। और इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच चीनी। तो चीनी आपके स्वाद के अनुसार, आप मीठा कम ज्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको 2 मिनट हम और पकने देंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारी चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारी गाजर की खीर बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। ये एक व्रत की रेसिपी है। अगर आपको व्रत की रेसिपी चाहिए तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें बहुत सारी व्रत की रेसिपी है, तो आप जाके जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये देखिए हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। होप यू आपको मेरी बनाई हुई खीर पसंद आई होगी। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।